श्री आत्म मनोहर जैन आराधना मंदिर द्वारा गरीब व जरूरतमंदों को भोजन वितरण करने की मुहिम जारी है। इसी कड़ी में आज लगभग 4000 लोगों के लिए पूरी मिस्क वेजिटेबल तथा मीठे चावल का लंगर वितरण किया गया। स्वयं सेवकों को विदा करने के समय पूर्व मंत्री भीमसेन मेहता तथा करनाल के जेल अधीक्षक अमित भादु उपस्थित हुए। उन्होंने नर सेवा को नारायण सेवा समझकर ही जाने वाली इस अनुकरणीय पहल के लिए जैन मुनि पीयूष मुनि महाराज और उनके संस्थानों से जुड़े भक्तजनों को मुबारकबाद दी। इस अवसर पर पीयूष मुनि महाराज ने कहा कि प्रार्थना प्रभु की तरफ से आधे रास्ते तक ले जाती है, उपवास प्रभु के महल के द्वारा तक पहुंचा देता है, परंतु उदारता पूर्वक सहयोग करने के गुण से मानव भीतर प्रवेश पा सकता है। दूसरों के सहयोग की भावना के बिना व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता और उसकी शक्तियों का समाज को कुछ भी लाभ नहीं पहुंचता है। बदले में कुछ मिलने या शोहरत प्राप्ति की कामना से दिया जाने वाला उपकार सच्चा नहीं है, निष्काम भावना से परोपकार करने वाला ही सज्जन व्यक्ति है। सहयोग गुप्त रूप से किया जाने पर अनंत गुना फलदायी होता है और इस लोक के साथ परलोक में भी उसका फल मिलता है। नामवरी की शुद्ध कामना से प्रेरित होकर दिया सहयोग स्थायी और विशेष लाभ नहीं दे पाता। अन्नदान प्रेरक उपप्रवर्तक पीयूष मुनि महाराज ने कहा कि मदद करने का मतलब किसी का सहयोग करना, उसे मुसीबत से बाहर निकालकर ऊंचा उठाना है, परंतु किसी को नीचा या पतित बनाकर कुछ देना अशोभनीय है। ऐसा सहयोग मिलने पर किसी को प्रसन्नता नहीं होती। दूसरों के आत्मगौरव की रक्षा करते हुए दिया गया सहयोग उत्तम है। स्वेच्छापूर्वक एवं सम्मान के साथ देने के साधारण वस्तु भी असाधारण बन जाती है। ऐसा दान लेने वाला अपमानित नहीं होता और ना ही उससे सहयोग करने वाले का अहंकार ही प्रकट होता है। सहयोग करते हुए घमंड तथा गर्व की भावना का आ जाने पर सहयोग से मिल सकने वाला समस्त पुण्य नष्ट हो जाता है और यदि वह कुछ रह भी जाए तो उसका फल बहुत घट जाता है। मुनि ने विशेष रूप से कहा कि सहयोग के पीछे किसी प्रकार की स्वार्थ वृत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि स्वार्थ परमार्थ को निष्फल बना देता है। आपको बता दें कि बाबा भगवान गिरी चैरिटेबल ट्रस्ट निग्धु के चेयरमैन बाबा महादेव गिरी ने भी लंगर सेवा का लाभ लिया। परम पूजनीय महाराज जी, सभी यहाँ पर उपस्थित, यहाँ का बहुत ही एक अच्छा लगा कि जो यहाँ पर एक सेवा का जो एक माहौल बना है, जो ये आज के दिन जो पूरे देश के अंदर पूरे विश्व के अंदर जो ये महामारी फैली है, इसमें जो सहायता के तौर पर जिस तरीके से हमारे इस आश्रम से भोजन की व्यवस्था की गई है और दूसरे जो हमारे यहाँ सहायता चल रही है उसको देखकर बहुत ही अच्छा लगा है। और एक जितने भी कहा जाए वो सभी इनका आशीर्वाद है महाराज जी का कि उनकी प्रेरणा से यहाँ पर ये सारा कार्य चल रहा है। खाने का प्रोग्राम जो जितने लोगों का यहाँ से बनकर जाता है वो इसी क्रम में चलता रहे। एक बार फिर मैं जैन मुनि जी का जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज का दिन इसलिए भी विशेष है क्योंकि आज डेरा हलवाना के साथ साथ एक और बस्ती जो कि गांव झंझाड़ी में है, डे बस्ती, जहां पर तकरीबन 400 भाई बहन भूख से त्रस्त हैं, उनके लिए भी आज भोजन भेजा जा रहा है। अब मैं निवेदन करूंगा बाबा श्री महादेव जी गिरी जी से, क्योंकि आज इन्होंने भी अपना योगदान पैकिंग में दिया, बड़ी भावना के साथ ही हमारे मंदिर में आज पहुंचे, गुरु चरणों में इन्होंने अपनी हाजिरी लगाई। मैं इनसे भी निवेदन करूंगा ये भी अपना अनुभव हमारे साथ साझा करें। कई सालों से यहाँ रहा हूँ, जो मुझे ऊर्जा और शक्ति मिली है इतनी मिली कि मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। और 2006 से मैं सफाई अभियान से जुड़ा हुआ हूँ बीएस मलिक के साथ निरंतर, तो 75 ईयर्स ओल्ड होते हुए एज फैक्टर आज तक लागू नहीं हुआ और आज 2 घंटे काम करके मुझे ऐसा लग गया कि मैं तो बच्चे की तरह हो गया, चिंतित हो गया। सच्चाई में ये सच्ची सेवा है। मैं इस बारे में हम कुछ कह ही नहीं सकते, सीधा तार जुड़े हुए हैं उस प्रभु से, इन स्वामी जी से। इनका कल का प्रवचन सुन देख के मैं अखबार में दैनिक भास्कर में जो मैं प्रभावित हुआ और मैंने ये मन बनाया कि भी सरल शब्दों में ज्ञान प्रकाश बागी से इसको करके घर घर तक पहुँचाऊँ ताकि हर आदमी को लाभ पहुँचे, गरीब, मिडल मैन, रिच मैन, और आपस में सब एक होकर एक दूसरे की सेवा के लिए जुट जाए तो कोई भी दुखी नहीं रहेगा संसार में, ये संकट जो है ना आसान हो जाएगा। ऐसे लोगों की मदद और सहायता करने के लिए आगे आकर अपना मदद का हाथ उनकी ओर बढ़ाने की चेष्टा और प्रयत्न करें। एक पाश्चात्य विचारक ने बहुत सुंदर बात कही है
एन आउंस ऑफ हेल्प इज बेटर देन ए पाउंड ऑफ प्रीचिंग। अगर कोई व्यक्ति मुसीबत और विपत्ति में है तो उसके लिए लंबी चौड़ी बातें झाड़कर उसे उपदेश देने की बजाय एक औंस जितनी मदद और सहायता करना ज्यादा उत्तम और ज्यादा श्रेष्ठ होता है। यानी बातें बनाने से कुछ नहीं होता, तन मन धन से आपके पास जो शक्ति जो ताकत है उससे दूसरों का भला करने की चेष्टा और प्रयत्न करें। प्रत्युपकार की आशा से ऊपर उठकर जो भला किया जाता है, यानी दूसरे व्यक्ति से कोई उम्मीद ना रखकर अगर आप किसी की मदद इमदाद और सहायता करते हैं, दूसरे के प्रति कोऑपरेशन का रवैया अपनाते हैं, तो वह बहुत उत्तम और श्रेष्ठ कार्य है। पुराणों में भी कहा गया है, उपकुरियान निराकांक्षो यैसा साधुर तीर्यते। सच्चा साधु सज्जन और श्रेष्ठ उसी इंसान को कहा गया है जो बदले में रिटर्न में कुछ मिलने की उम्मीद और आशा से भी ऊपर उठकर आत्मीय भाव से दूसरों का भला करने का प्रयत्न करता है। स्वेच्छा पूर्वक और मान के साथ देने से साधारण वस्तु भी अमृत जैसी हो जाती है। रहीम जी कहते हैं, अमी पियावत मान बिन रहीमन मोहि न सुहाए, प्रेम सहित मरीबो बला जो विष देई बुलाए। यानी स्वेच्छा पूर्वक दूसरे की इज्जत और आबरू बरकरार रखते हुए अगर किसी की मदद की जाए तो वह उत्तम मदद और उत्तम सहायता है। किसी की इज्जत उतार कर किसी को नीचा दिखाकर उसे अमृत भी क्यों न दिया जाए, उसका भी कोई लाभ और कोई फायदा नहीं होता। यानी दूसरे के सम्मान को बरकरार और सुरक्षित रखते हुए दूसरे की भला करने का प्रयत्न किया जाए और ऐसा दान ही ऐसा सहयोगी उत्तम और सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। उससे न तो लेने वाले के आत्म गौरव सेल्फ रेस्पेक्ट को चोट पहुंचती है और न देने वाले का अहंकार प्रकट होता है। यानी देते हुए और लेते हुए दोनों समय अगर अच्छी भावनाएं रखी जाए तो देना और लेना दोनों उत्तम और श्रेष्ठ कार्य बन जाते हैं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.